तहसील शिकोहाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी रवि रंजन की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान 54 शिकायतें आईं, जिसमें 2 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं अन्य शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। आज समाधान दिवस के दौरान राजस्व, बिजली विभाग, नगर पालिका आदि से संबंधित शिकायतें आईं, जिनको डीएम व अन्य अधिकारियों ने गंभीरता से सुनकर लोगों से इन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान करने का आश्वासन दिया। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान ग्राम गुलामई निवासी महेश बाबू ने चक्रोड़ मार्ग पर अवैध कब्जा करने, ग्राम केशोपुर निवासी श्रीवास्तव पुत्र लक्ष्मी नारायण ने जमीन पर अवैध कब्जा करने, ग्राम भेंडी निवासी श्याम सुंदर ने दबंगों द्वारा खेत पर कब्जा किए जाने की शिकायत की। इसके साथ ही शिकोहाबाद नगर के मेहरा कॉलोनी में पाक की जमीन पर अवैध कब्जा होने की शिकायत अवधेश कौशिक, प्रवीण पालीवाल आदि लोगों द्वारा की गई। शिकायत में कहा गया था कि कॉलोनी को वर्षों पहले डा मेहरा समाधान हुआ है, क्योंकि आज संपूर्ण समाधान दिवस में 54 शिकायतें आई हैं, 2 का निस्तारण हो गया है और बाकियों के लिए दोनों का पूर्ण निस्तारण के लिए टीम को निर्देशित कर दिया गया है कि जाके वहाँ पर मौके पर और उसमें होने का। किस विभाग से संबंधित ज़्यादा समस्याएं हैं? अलग अलग विभागों से शिकायतें थी, राजस्व विभाग से संबंधित थी, बिजली विभाग से संबंधित थी, कुछ नगर निकाय से संबंधित शिकायतें आई और कुछ अन्य।